नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। मैं आपके साथ प्रशांत सरीन। इस वक्त एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है और इस पूरी रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा जो है दावा किया गया है। और आपको बता दें कि भारत 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अब मात्र 6 महीने का जो वक्त है वो शेष है, लेकिन उससे पहले कुछ अहम होने वाला है। और वो अहम ये है कि 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं, और ये जो इलेक्शंस रहने वाले हैं ये तमाम पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई सीट्स जो है वो जुड़ी हुई हैं, और जो पार्टी इन इलेक्शंस में अपनी जगह इन स्टेट्स में, इन 5 स्टेट्स में बनाएगी, उसका डंका जो है वो 2024 में लोकसभा इलेक्शंस की अगर आप बात करेंगे तो उसमें सर चढ़ कर बोलेगा। आपको बता दें, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे से पहले एक बड़ी घोषणा की और ये कहा था कि 80 करोड़ लोगों को हम हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 5 सालों के लिए 5-5 kg जो राशन है वो प्रदान करेंगे, और ये सब्सिडाइज्ड रेट्स पर होगा। और ये एक शॉर्टलिस्ट सूची है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन आपको बता दें, ये आज की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि इस फ्री बी से जो सब्सिडी का बर्डन है वो आने वाले 5 सालों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ प्रति साल जो है बढ़ने वाला है, और ये जो बर्डन है केंद्र के ऊपर ही आएगा। लेकिन आपको बता दें, इसी के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो बर्डन रहेगा ये हर साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा, और ये अगर 2024 की आप बात करेंगे तो 2025 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में जुड़ेगा, अगर 2025 की बात करेंगे तो 2026 में ये जुड़ेगा, और अगर 2026 की बात करेंगे तो वर्ष 2027 में ये जो पूरा सब्सिडाइज्ड बर्डन रहेगा ये जुड़ेगा। ऐसे में 3 बातें बहुत अहम हैं, और ये बातें जुड़ी हैं तमाम उन लोगों के साथ जो फ्रीबीज के ऊपर वोट साधते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि वर्ष 2020 में जिस वक्त कोलकाता और अन्य कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही एक दावा किया था, और केंद्र सरकार ने इसी तरीके की सब्सिडाइज्ड रेट्स फूड पॉलिसी जो थी, जो कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत तमाम देशवासियों को दी जानी थी, उसे अनाउंस किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलेक्शंस के दौरान हार गई। वहीं आपको बता दें कि खमियाजा पूरा भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद ऐसा ही कुछ तमाम अलग स्टेट्स में भी देखने को मिला, जहां कर्नाटका के इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी हारी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी वहां सत्ताधारी बनी। ऐसे में ये बात बहुत अहम है और एक सीधा साधा निशाना जो है केंद्र सरकार की नीतियों के ऊपर इस रिपोर्ट ने उठा लिया है, जिसने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार मौका परस्त हो चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि जहां जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं वहां पर फ्रीबीज की जो पॉलिसी है इस वक्त केंद्र सरकार अपना रही है। लेकिन आपको बता दें, इसका पूरा जो बर्डन होता है वो एनुअल फाइनेंशियल ईयर के ऊपर आ जाता है, और एनुअल फाइनेंशियल ईयर के ऊपर जो सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर जो पॉलिसी फ्रेमिंग केंद्र सरकार करती है, उसके चलते ये पूरा बर्डन जो है एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आता है। जिसके बाद आपको बता दें, ये दावा किया था केंद्र सरकार ने कि हमने लगभग 13.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उन्हें पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने का काम किया है। उनकी ज़िंदगी के जो 3 बड़े पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उन्हें बेहतर किया है और वो आज बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। वहीं अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की बात करेंगे, यानी कि RSS के जनरल सेक्रेटरी की बात करेंगे, तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि 23.5 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तान के अंदर वो अभी भी 375 रुपये से कम की कमाई दिन में करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मात्र 300 रुपया भी दिन का नहीं कमा पाते हैं। ये वो लोग हैं जो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और बेसिक नीड जो है अपनी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब ये 2 बातें बहुत अहम हैं और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट का बड़ा दावा है, जिसमें बड़ा सवाल जो है केंद्र सरकार से पूछा गया है और बड़ा
कह सकते हैं निशाना इस वक्त केंद्र सरकार के ऊपर इस रिपोर्ट ने साधा है, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि क्या केंद्र सरकार की ये जो नीतियाँ हैं फ्री बीज की, ये उन्हें आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में जीत हासिल करने में मददकारी होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द टाइपराइटर।